जिस दिन से भाजपा सत्ता में आई है, ये हिटलर शाही शासन जो चल रहा है, ये पूरा गरीब के, मजदूर के, किसान के, महिलाओं के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ अमीर चंद उद्योगपतियों के साथ है, जिनके लिए वो पूरे देश को बेच रही है रोज रोज। हमारे देश की महिलाओं की अस्मिता बेची जा रही है। हमारे देश का आज हर तरीके किसान त्रस्त है, हमारे देश का हर वर्ग त्रस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। और वो जगह जगह इनका रूप, इनका चेहरा दिखता है। अंतिम संस्कार किया होता तो हिंदू रीति रिवाजों से हुआ होता, वो अंतिम संस्कार नहीं था। वो लड़की को पेट्रोल से जला दिया गया। एक रेप वहां हुआ और एक रेप हाथरस पुलिस ने इस तरीके से लड़की के शव को जला के किया। राहुल जी ने कहा है कि मैं जब तक हाथरस में पीड़ित परिवार से नहीं मिलूंगा, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा। मैडम, परसों उनके साथ में पुलिस कर्मियों द्वारा बदतमीजी कर दी गई थी और दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, तो आज आपने क्या तैयारी की हुई है विशेष तौर पर? कांग्रेस पार्टी एक ऐसा तूफान है, वो जब निकलता है तो किसी से थमता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार है और बिना पीड़ित परिवार से मिले आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वापस जाने वाला नहीं है। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है और उनसे उनका अंतिम अधिकार भी छीन लिया, उस लड़की को मैं कहूँगी, उस बेचारी बेटी को अंतिम संस्कार के नाम पर क्या मिला? पेट्रोल से जला दी गई उसकी लाश। तो जिस तरीके से सरकार है उसमें इंसाफ की उम्मीद तो बड़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से आज आप सब ने पूरे मीडिया कर्मियों का जो साथ उस परिवार को मिल रहा है, और जिस तरीके से राहुल प्रियंका जी ने ठाना है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, और जगह जगह पूरे देश में आज एक आवाज़ उठ रही है, तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिले। कि स्मृति ईरानी जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है भाजपा शासित राज्यों में, तब वो बाहर नहीं आती। एक हथिनी की मौत पर वो गरजती है, लेकिन एक बच्ची की मौत से उन्हें पीड़ा नहीं होती। तो मुझे लगता है ये सब उनकी नौटंकी है। और वो जिस तरीके से वो जो टीवी में काम करती थी और टीवी में वो जिस तरीके से सीरियल में नाटक करती थी, वो उनका नाटक वाला चेहरा अभी तक गया नहीं। हमारा ये कहना है कि वो विपक्ष है, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और विपक्ष में भाजपा है, तो किसी ने रोका तो नहीं है उनको? किसी ने क्या भाजपा के किसी कार्यकर्ता को उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका हो? क्या अशोक गहलोत जी की सरकार ने उस परिवार से कोई हाथरस की तरह बदतमीजी की हो, उन्हें नज़रबंद किया? तो उनके लिए रास्ते खुले हैं, वो जाएंगे तो वहाँ का प्रशासन उनका सहयोग करेगा उस परिवार से मिलने के लिए। लड़की ने खुद, आप सबने भी वो वीडियो देखी होंगी, लड़की ने खुद कहा था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और जब एक पीड़िता जो मौत से जूझ रही हो वो ये बात कहे, और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, अपनी गलतियाँ और नाकामियाँ छुपाने के लिए जो प्रशासन कर रहा है, वो पूरे भारत को आज दिख रहा है। और 2013 का जो बदलाव आया था अटेम्प्ट टू रेप में, अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की भी पर किसी ने कोशिश की तो वो रेप में गिनती होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता, अगर हाथरस के प्रशासन को ये नहीं पता, डीएम को ये नहीं पता, तो उन्हें 2013 का वो पढ़ लेना। बिल्कुल, योगी जी अपना चेहरा छुपा रहे हैं हाथरस प्रशासन के पीछे। जिस तरीके से उसके परिवार को रोका जा रहा है मीडिया से मिलने के लिए, जिस तरीके उस परिवार से कोई जाकर मिल नहीं सकता, इसकी उम्मीद कम है। जिस तरीके से कल बयान आए, एक छोटे से बच्चे ने जंगल के रास्ते से बाहर निकल के ये कहा कि मेरे ताऊ को मीडिया से आकर मिलना चाहते थे, अपनी बात कहना चाहते थे, उनके पेट में लात मारी गई और वो बेहोश हो गए। ये क्या है? ये तानाशाही रवैया ही तो है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या यूपी में अपराधी बेलगाम है इस टाइम? अपराधी बेलगाम नहीं, यूपी अपराध प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है आज, रेप कैपिटल बन चुका है आज। लेकिन योगी जी कहते हैं कि यहाँ से अपराधी जा चुके हैं। अपराधी अगर गए होते तो आए दिन जो हत्याएं, दिन में हत्याएं हो जाती हैं। आप देखिए, इसी समय पिछले साल उन्नाव में रेप हुआ, लड़की को अपने आप को आग लगानी पड़ी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पुलिस ने पीट पीट कर उसके पिता को जेल में मार दिया, उसके बाद एक्सीडेंट करके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए, हाथरस की घटना के बाद बलरामपुर की घटना, उसके बाद आप देखिए भदोही की घटना, उसके बाद बुलंदशहर की घटना, आप दो तीन दिन के अंदर देखिए कितनी सारी रेप की घटनाएँ हुई हैं। तो योगी जी क्या आँख मूंद कर और कान बंद कर रहते हैं?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा था, हमें नहीं पता था ये चेतावनी है भारत की जनता को कि बेटी बचाओ। देखिए आज भी बेटियों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। निर्भया के बाद पूरे देश ने सोचा था कि हमारे देश में क्रांति आएगी, हमारे देश में एक बदलाव आएगा, और वो बदलाव हमारे देश में मुझे नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, उल्टा 7.5% रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमें नहीं पता था, भारत की जनता को नहीं पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, वो इन्हें नारा नहीं है, वो ये चेतावनी है कि बेटी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि आज हर घर से हर इंसान को निकल आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी किसी की भी बेटी बहन बहू परिवार के किसी के भी साथ हो सकता है, और अगर आज हम नहीं खड़े होंगे इन परिवारों के साथ तो कल को हमारे साथ भी कोई नहीं खड़े होने वाला। तो ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देश भारत के नागरिक होने के नाते हम सबका हक है कि हमें सभी ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए और मिलकर एक आवाज और एक इस तरीके से हमें एक एक निकाल अपने एक आज इस मुहिम को इतना उठाना चाहिए कि आज उस परिवार को इंसाफ मिले और अपराधियों में डर बैठ जाए।